इस गांव में जो भी कोई नया कार्य होता है ये पुरातत्व विभाग द्वारा बैन किया गया है। मैं जो खंडित मूर्ति है उसकी कभी भी पूजा नहीं होती, इसलिए इसकी कोई पूजा अर्चना नहीं करता। ये शायद कहा जाता है भारत का इकलौता चतुर्मुखी मंदिर हो सकता था, लेकिन ये खंडित। जब भारत में विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने कई अत्याचार किए, कई मंदिरों को तोड़ा, कई गांवों पर कब्जा किया, हजारों लोगों की हत्या की और लाखों महिलाओं की अस्मत लूटी। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि जितना विदेशी राजाओं और अंग्रेजों ने हमारा भौतिक यानी असल नुकसान किया है जो हमें दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान ऐसा किया है जो हमें नजर नहीं आता। सलमेर से 17 किलोमीटर रुद्रवा, इसका पुराना नाम शिव के नाम पर रुद्रपुर था, और यहाँ पर शिव मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, जिसको कि मोहम्मद गजनवी ने 1135 विक्रम संवत और 1113 ईस्वी में इसको तोड़ा था। आप सोच रहे होंगे इस न्यूज वीडियो के जरिए हम आपको क्या बता रहे हैं, तो सुनिए। हजारों साल पहले जैसलमेर में एक शिव मंदिर था, और मंदिर ऐसा जो अपने आप में ही अनोखा और हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र था। एक जमाने में यहाँ भगवान शिव की भव्य पूजा होती थी, और पूजा ऐसी कि पाकिस्तान और ईरान तक शिव के जयकारों की गूंज और यहाँ जल रहे दियों की रोशनी जाती थी। मंदिर के बाद ये मेरे ख्याल से कहते हैं भारत का इकलौता मंदिर है, पशुपतिनाथ में है, इस प्रकार की ऐसी इसकी में कितनी सच्चाई है? हाँ जी, ये पूर्ण सच्चाई है। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है उसके पशुपतिनाथ जो कि चतुर्मुखी मंदिर है, और बहुत से भारतीय वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि जब गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ा उसके बारे में ये मंदिर की ज्यादा चर्चा नहीं हुई और न ही इस गांव की ज्यादा चर्चा न हुई। अगर कहें तो 50 या 65 साल पहले कुछ जो परिवार जो पाकिस्तान से विस्थापित थे वो यहाँ पर आकर रहे, और उन्होंने इसकी नियमित पूजा अर्चना भी शुरू की, लेकिन कुछ लोगों के मना किए जाने के बाद कि अपने हिंदू धर्म में जो खंडित मूर्ति है उसकी कभी भी पूजा नहीं होती, इसलिए इसकी कोई पूजा अर्चना नहीं करता। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू राजस्थान के इस मंदिर में शिव की पूजा करने आते थे, और भारत के लोगों की यही भक्ति अफगानिस्तान से आए मोहम्मद गजनी को हर रोज चुभती थी। गजनी सोचता था मेरे राज में किसी और की इबादत कैसे हो सकती है, तो उसने एक एक कर हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ने का बीड़ा उठाया। लेकिन पूरी तरह ये लुधियानापुर है, ये पूरी तरह सुनसान है, पूरा शहर दफन है अंदर, गांव जरूर छोटा सा बसा हुआ है, लेकिन मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद 1113 में आक्रमण हुआ था विक्रम संवत में, उसके बाद में यह शिव मंदिर पूरी तरह विख्यात है। अगर सचमुच ये उस समय मतलब नहीं तोड़ा जाता तो इसका तो आज कई प्रकार के यहाँ पे जश्न और कई प्रकार के उत्सव यहाँ पे शिवरात्रि के मनाए जाते। आज से करीब 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद गजनी सीधा जैसलमेर के इस मंदिर पहुंचा, और फिर उसने यहां जो उत्पात मचाया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर गजनी इस मंदिर को नहीं तोड़ता तो आज ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा मंदिर होता जहां चतुर्मुखी शिवलिंग है। जी हां, फिलहाल भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं। नेपाल के पशुपतिनाथ में ऐसा ही एक शिवलिंग है जिसकी आज बड़ी भव्य पूजा होती है। पीएम मोदी भी अक्सर नेपाल के इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। खैर, कुल मिलाकर इस खबर का मकसद यही है कि विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने न सिर्फ हमें आर्थिक रूप से लूटा है बल्कि हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी बड़ा चोट किया है, और इस बात को भारत के लोगों को सोचना चाहिए। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।